क्विक चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज नूपुर हमारे लिए लेके आई है हरी मटर ओट्स के अप्पे, बिल्कुल यूनिक तरीके से उन्होंने बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं उन्होंने किस तरीके से तैयार किए अप्पे। शाम की चाय के साथ खाएं, कभी भी खा सकते हैं इसको, बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत कम ऑयल में बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पैन गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी, आधा चम्मच घी, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग, फिर हम इसमें डाल देंगे अपनी मटर, करीब आधा किलो मटर है, एक चम्मच एक सीटी देंगे इसमें, और आप चाहें तो इसको बिना तड़के के खाली उबाल भी सकते हैं। देखिए हमने मटर को मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर दिया है, अब हम इसको हल्का दरदरा पीस लेंगे। देखिए अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे और इसमें मिला देंगे हम थोड़े से ओट्स, ये एक कटोरी ओट्स हैं, इसको हम इसमें मिला देंगे अच्छे से। देखिए हमने जो मटर में ओट्स मिला के रखा था वो बिल्कुल रेडी हो गया है, ओट्स हमारा फूल गया है। ओट्स को आप जब भी मिलाएं तो थोड़ा भून कर मिलाएं, मैंने रोस्ट करा हुआ ओट्स था उसको मिलाया है। अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो आप सूजी भी डाल सकते हैं, लेकिन सूजी को भी भून कर ही डालें। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी सब्जियाँ, यह है बारीक कटी हुई प्याज, एक बड़ी प्याज थी बारीक कटी हुई, यह है थोड़ी सी गाजर बिल्कुल बारीक कटी हुई, यह बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और यह है मिर्च और लहसुन का पेस्ट, इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है अच्छी मात्रा में, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी मिर्च ज़्यादा ही पड़ती है क्योंकि मटर मीठी होती है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा, मटर भी मीठी होती है प्याज भी मीठी हो जाती है, तो थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे इसको हम। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, यह है आधा चम्मच गर्म मसाला, एक चम्मच नमक, एक चम्मच चाट मसाला, अरे एक बड़े नींबू का रस है जो मैंने इसमें डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सब चीज़ों को। देखिए हमने सारी सब्जियां मसाले सब इसमें मिला लिए हैं अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी भुनी हुई और कुटी हुई मूंगफली, ये आप जरूर डालें, इससे जब अप्पे हम बनाते हैं तो इसमें जो क्रंचीनेस आती है वो बहुत अच्छी लगती है खाने में। लेकिन पीस के नहीं डालनी है, कूट कर ही डालनी है मूंगफली। देखिए हमारा अप्पे का बैटर बिल्कुल तैयार है, अब हम इसको अप्पे पैन में अप्पे बनाते हैं। देखिए हमारा जो बैटर बना था उसको हम एक दूसरे बोल में ट्रांसफर करेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच इनो, चौथाई चम्मच इनो है, आधा भी नहीं चौथाई चम्मच इनो है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा अप्पे पैन गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा घी, आप ऑयल या घी कुछ भी डाल सकते हैं, रिफाइंड या देसी घी, मैंने देसी घी डाला है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये बैटर, हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल और डाल देंगे और इसको ढक देंगे जब तक ये पक नहीं जाते हैं। अपने को पकते हुए
इसको पलट देंगे। एक तरफ से ये अच्छी तरह से चुके हैं, देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है इसका। फूल भी खूब अच्छी तरीके से गए हैं। बीच वाले थोड़ा जल्दी पक जाते हैं, लेकिन आप इसको हमेशा धीमी आंच पे ही पकाएं, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देख कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है इसमें। अब इसी तरह से हमको इसको दूसरी तरफ भी पकाना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल सकते हैं, फिर और क्रिस्पी हो जाएंगे। हमारे अप्पे खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राम राम। दोस्तों यदि आपको नूपुर की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर इसी तरह अपनी किसी रेसिपी का वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो चैनल पर नंबर नीचे दिया है, आप उस पर भेज सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।